मुंबई से मिली शर्मनाक हार के बाद ट्यूबलेसिस ने मानी अपनी बड़ी गलती, बोले यह विभाग बहुत कमजोर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को आरसीबी द्वारा मिले 197 रन के लक्ष्य को केवल 15.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फाफ ड्यूप्लेसी ने शर्मनाक हार के बाद अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि उनकी टीम के लिए इस विभाग में बहुत सुधार की जरूरत है। आरसीबी की यह टूर्नामेंट में 5वीं हार रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल 2024 में बुरा समय खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फाफ ड्यूप्लेसी के नेतृत्व वाली आरसीबी को गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम पर आईपीएल 2024 के 25वें मैच में मुंबई इंडियंस के हाथों 27 गेंद शेष रहते 7 विकेट की शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकाबले में पहली बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने केवल 15.3 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आरसीबी की हार के बाद कप्तान फाफ ड्यूप्लेसी ने स्वीकार किया कि उनकी टीम का गेंदबाजी विभाग कमजोर है। फाफ ड्यूप्लेसी ने कहा कि उनकी टीम का गेंदबाजी आक्रमण विरोधी खेमे को चुनौती देने में नाकाम रहा है। ड्यूप्लेसी ने कहा कि उनकी टीम के बल्लेबाजों को निरंतर रूप से 200 से ज्यादा स्कोर पर ध्यान देना पड़ता है ताकि मैच जीतने की उम्मीद बन सके। इस सीजन में वापसी के लिए भी आरसीबी अपने बल्लेबाजों पर ज्यादा निर्भर रहेगी। फाफ ड्यूप्लेसी ने क्या कहा, मेरा मानना है कि बल्लेबाजी दृष्टिकोण से हमें 200 रन के स्कोर पर जोर देना पड़ता है। हमारे पास अपनी गेंदबाजी से ज्यादा हथियार नहीं है तो बल्लेबाजों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गेंदबाजी दृष्टिकोण से देखें तो विरोधी खेमे में हलचल पैदा करने में कमी है। हम चाहते हैं कि पावर प्ले में विरोधी टीम के 2-3 विकेट गिराएं। शुरुआती 4 ओवरों के बाद लगता है कि हमेशा बैकफुट पर है। आरसीबी पर हार का पंजा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की यह 6 मैचों में 5वीं हार रही। विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के फ्लॉप होने के बावजूद आरसीबी ने फाडू ड्यूप्लेसी, रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक के अर्धशतकों की मदद से 196 रन का स्कोर बनाया, मगर मुंबई के बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 27 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल किया। आरसीबी के कप्तान फाफ ड्यूप्लेसी, मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की जिन्होंने मैच में 5 विकेट चटकाए। बुमराह ने दूसरी बार T20 में एक पारी में मैच विकेट लिए। बुमराह ने आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट झटके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।